शासकीय सम्मान एवं पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण दूसरा तथा पद्म भूषण एवं पद्मश्री तीसरा एवं चौथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सभी सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामचीन व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इनमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी का, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सन 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छायावाद कविता के जनक माने जाने वाले पंडित मुकुटधर पांडे को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1976 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। प्रसिद्ध पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर को कला जगत के क्षेत्र में सन 1983 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई कला जगत के क्षेत्र में सन 1987 में पद्मश्री एवं 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित हैं। राजमोहनी देवी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सन 1989 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। वे गांधीवादी विचारधारा वाली एक समाज सेविका थीं, जिन्होंने शराबबंदी के लिए अभियान चलाया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा का अभियान चलाने वाले धर्मपाल सैनी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सन 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दाबके को चिकित्सा के क्षेत्र में सन 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंडवानी लोकगीत कलाकार पुनाराम निषाद को सन 2005 में कला जगत क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। प्रसिद्ध लेखिका मेहरुनिशा परवेश को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन 2005 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आयुर्वेद शिक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सन 2007 में पद्मश्री से अलंकृत हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार जॉन मार्टिन नेल्सन को सन 2008 में कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कला नाचा के पर्याय कहे जाने वाले गोविंद राम निर्मलकर सन 2009 में कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित हैं। प्रसिद्ध हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सन 2010 में पद्मश्री दिया गया है। जाने माने नाट्यकार, पटकथा लेखक, फिल्म एवं नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे को कला एवं रंगमंच के क्षेत्र में सन 2011 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुखराज बापना को सन 2011 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शमशाद बेगम को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सन 2012 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। महिलाओं को साक्षरता के प्रति जागरूक करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फुलबासन बाई यादव को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सन 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए स्व सहायता समूह से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायक भारती बंधु को कला जगत के क्षेत्र में सन 2013 में पद्मश्री दिया गया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेता अनुज शर्मा को सन 2014 में कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम को खेल जगत के क्षेत्र में सन 2015 में पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। हिंदी नाट्य जगत के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं अभिनेता शेखर सेन को सन 2015 में कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। वे संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। लोक गायिका एवं छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर ममता चंद्राकर को कला जगत के क्षेत्र में सन 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद तथा छत्तीसगढ़ शासन के पुरातात्विक सलाहकार अरुण शर्मा को सन 2017 में पुरातत्व क्षेत्र में पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। साहित्यकार एवं पत्रकार तथा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सन 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। कुष्ठ पीड़ितों की सेवा में पूरा जीवन समर्पित करने वाले दामोदर गणेश बापट को सन 2018 में सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस सूची में हमने उन व्यक्तियों को शामिल किया है जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है या छत्तीसगढ़ उनकी कर्मभूमि रही है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।